हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अरोड़ा बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शंस। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बेसिकली आपने देखा होगा बहुत टाइम से 3 BHK की वीडियोस चल रही हैं, 100 गज 120 गज की। लेकिन जो आज का 3 BHK मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो बजट फ्रेंडली लेकर आई हूँ, 75 गज का 3 BHK लिफ्ट विद कार पार्किंग। अगर आप बात करें लोकेशन की तो लोकेशन इसकी रहने वाली है मेन RS मार्ग रोड। वैसे बेसिकली इसको बाल उद्यान रोड बोलते हैं। यहाँ से मेन रोड हार्डली 200 मीटर्स का डिस्टेंस रहने वाला है। नियर बाय इसका मेट्रो स्टेशन जो रहेगा वो उत्तम नगर वेस्ट रहने वाला है। बेसिकली प्रॉपर्टी मिड की होने वाली है, राइट साइड पे रहेगा उत्तम नगर ईस्ट और लेफ्ट साइड पे रहने वाला है उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन। 75 गज का 3 BHK वो भी प्राइम लोकेशन में लेफ्ट विद कार पार्किंग। इसकी डिटेल वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक मिनट का टीजर देख कर आते हैं। तो ये होने वाली है हमारी मेन एंट्रेंस। सबसे पहले हम एक बार फोकस करते हैं हमारे लॉक पे। आप देख सकते हैं इसमें सेंसर वाला हमारा लॉक रहने वाला है। एक बार कैमरामैन इस पे फोकस कीजिए। ये देखिए इसमें प्रॉपर हम अपना पासवर्ड भी लगा सकते हैं और इसको थंब के यूज पे भी हम इसको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। तो ये रहेगी मेन एंट्रेंस। उसी के साथ हमारी लिफ्ट रहने वाली है। बेसिकली हमारी ये दो यूनिट रहेंगी। जो हमारा ये प्लाट है वो हमारा 150 गज का होने वाला है। फ्रंट साइड पे भी 75 गज का हमारा 3 BHK रहेगा और जो इस टाइम हम शूट कर रहे हैं ये हमारा फ्रंट साइड का 75 गज रहने वाला है 3 BHK। लेकिन ये भी हमारा बालकनी वाला रहने वाला है। आगे फ्रंट साइड पे हमारी 15 फुट की रोड होने वाली है। मतलब वेंटिलेशन से तो इस फ्लैट में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉपर शाफ्ट दी हुई है, जितने भी एग्जॉस्ट के फिटिंग्स हैं सब कुछ आपको इंस्टॉल करवा के दिया जा रहा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे लिविंग एरिया से। इस टाइम मैं खड़ी हूँ हमारे लिविंग एरिया में। आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस होने वाला है। उसी के साथ साथ मेन हमारी एंट्रेंस होने वाली है। हमारा कॉमन वॉशरूम रहेगा। 3 इसमें हमारे बेडरूम होने वाले हैं। फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम और थर्ड बेडरूम हमारा इस साइड होने वाला है। और इसी के साथ साथ ओपन में हमारी मॉड्यूलर किचन होने वाली है जो मेरे बिल्कुल इस साइड फ्रंट पे रहने वाली है। और एक हमारा जो बेडरूम है वो हमारा बालकनी से अटैच रहने वाला है। और एक के साथ हमारा कॉमन वॉशरूम और एक हमारा जो बेडरूम है उसके साथ भी हमारा एक वॉशरूम अटैच रहेगा। बेसिकली इसमें हमारे 2 वॉशरूम्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने लिविंग एरिया से। आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस होने वाला है। इसमें प्रॉपर हमारा एल कॉर्नर का सोफा सेट आ जाएगा। बीच में हमारा सेंटर टेबल आएगा। इसमें अभी सोफा लगा नहीं है लेकिन वो भी हम लगवा कर देंगे, जो इसमें फुल्ली फर्निश्ड लेगा। सेमी फर्निश्ड वालों के लिए इसमें कोई भी ऐसा फर्नीचर नहीं है, लेकिन जो इंटीरियर है वो प्रॉपर करवा कर दिया जाएगा। फ्रंट साइड में इस पर प्रॉपर हमारा LED पैनल रहेगा ह्यूज में। जितना भी बड़ा LED हो इजीली इस पर फिट हो जाएगा। अगर हम बात करें फॉल सीलिंग की, आप देख सकते हैं कितने एलिगेंट कॉन्सेप्ट में हमारी फॉल सीलिंग होने वाली है। जितने भी शोपीसेस वगैरह हैं सारे आपको इसमें लगा के दिए गए हैं। नीचे अटैच ड्रॉर रहेंगे, कोई गैजेट्स वगैरह रखने हो इजीली आप रख सकते हो। AC की डक्टिंग इस साइड रहेगी जो कि हमारा स्प्लिट AC का प्रोविजन होने वाला है। तो ये तो था हमारा लिविंग एरिया। उसी के साथ साथ एक बार नजर मारते हैं हमारे कॉमन वॉशरूम में। बहुत ही स्पेशियस होने वाला है हमारा कॉमन वॉशरूम भी। सबसे पहले हम चेक करते हैं वेंटिलेशन। तो इस साइड प्रॉपर शाफ्ट है हमारी, उसी के साथ एग्जॉस्ट प्रॉपर आपको फिटेड करा के दिया जाएगा। जितनी भी सैनिटरी है सारी ब्रांडेड फिटिंग लगा के दी जाएगी, 2 ईयर्स वारंटी है साथ। उसी के साथ साथ अब चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की ओर, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम होने वाला है। बेसिकली सबसे पहले हमें चाहिए होती है वार्डरोब्स, किंग साइज का हमारा बेड आ जाए, वेंटिलेटेड हो और हमारा LED पैनल। हमें अपने बेडरूम में यही रिक्वायर्ड रहता है। इसमें प्रॉपर हमारा किंग साइज का बेड रहेगा क्विल्टिंग के साथ। प्रॉपर आपको साइज में साइड ड्रॉर्स दिए गए हैं लूअर फिटिंग के साथ प्रॉपर।
उसी के साथ साथ फ्रंट पे प्रॉपर हमारा एलईडी पैनल रहेगा लुआ फिटिंग के साथ, बहुत ही मतलब एलिगेंट लग रहा है। हमने इसको थ्री शेडेड में प्रॉपर कंट्रास्ट किया है। इस साइड हमारी अप टू रूफ वार्डरोब्स रहने वाली हैं, जो हमारी स्लाइडिंग डोर्स वाली रहेंगी। इसमें प्रॉपर हमारा हैंगिंग सिस्टम भी है, कुछ तय करके रखना, इजीली रख सकते हैं। ड्रॉर्स भी है, ड्रॉर भी हमारा प्रॉपर लॉक वाला रहने वाला है। तो दोनों साइड पे ड्यूल रहेगी और अप टू रूफ रहने वाली है, मतलब जितना भी मटेरियल हो इजीली इसमें आ जाएगा। कुछ स्टोर करके रखना हो तो हम ऊपर रख सकते हैं। उसी के साथ साथ इस साइड हमारी शाफ्ट रहने वाली है वेंटिलेशन के लिए। तो ये तो था हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब यहीं से होते हुए चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की ओर। उससे पहले मैं आपको हमारी मॉडुलर ओपन किचन दिखा देती हूँ। इसमें भी सबसे पहला क्लाइंट का सवाल होता है कि हमारा फ्रिज का प्रोविजन किस साइड रहने वाला है। तो प्रॉपर फ्रिज का प्रोविजन हमारा इस साइड रहेगा स्विच बोर्ड के साथ। ओपन में हमारी मॉडुलर किचन होने वाली है, इसमें भी वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं प्रॉपर विंडो भी है और एग्जॉस्ट की फिटिंग भी दी गई है। और ब्रांडेड फिटिंग है इसमें हमारी चिमनी होने वाली है, जिसकी 2 इयर्स वारंटी रहने वाली है। प्रॉपर हमारी क्रॉकरी के लिए इस साइड कॉलम दिया गया है मिरर वाला, इसमें हम इजीली अपनी क्रॉकरी रख सकते हैं। जितनी भी सैनिटरी है सारे फिटेड करा के दी जाएगी 2 इयर्स वारंटी के साथ। उसी के साथ साथ माइक्रोवेव रखने को, एयर फ्रायर रखने, प्रॉपर स्विच बोर्ड्स के साथ आपको वो प्रोविजन भी करा कर दिया। अगर हम बात करें स्पेस की, तो हमारी किचन इतनी स्पेशियस होने वाली है कि इसमें हमारा जो आर ओ का प्रोविजन है वो इस साइड रहने वाला है। प्रॉपर आपको रैक लगा के दिया गया है हमारे प्लेट्स के लिए और मतलब ग्लासेस के लिए, जितना भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं हमारे किचन में उसके लिए एक एक चीज़ के लिए आपको इस साइड प्रॉपर कॉलम बना के दिया गया है। एक बार इस साइड फोकस कीजिए, प्रॉपर तरीके से हम दिखाएंगे, मतलब हर एक चीज़ का जो हम किचन में हमें चीज़ें रिक्वायर्ड रहती है उस चीज़ के लिए एक एक चीज़ इसमें आपको लगा के दी गई है। तो ये तो थी हमारी किचन। अब यहीं से होते हुए चलते हैं अपने सेकेंड मास्टर बेडरूम की ओर, जो हमारा बालकनी और वॉशरूम दोनों से अटैच रहने वाला है। ये हमारा सेकेंड बेडरूम रहने वाला है, उसी के साथ हमारा अटैच वॉशरूम रहेगा और इस साइड हमारा बालकनी रहने वाली है। इसमें भी प्रॉपर हमारा किंग साइज का बेड रहेगा। अप टू रूफ प्रॉपर हमारी ड्यूल में क्विल्टिंग होने वाली है, प्रॉपर फॉल सीलिंग रहेगी, वेंटिलेशन पर्पसेस में हमारी विंडो भी रहने वाली है। और अगर हम बात करें एसी की डक्टिंग की, तो एसी की डक्टिंग हमारी इस साइड रहेगी, जो कि हमारा स्प्लिट एसी का प्रोविजन होने वाला है। इसमें भी साइड में हमारी प्रॉपर लॉक वाली वार्डरोब्स होने वाली है, अप टू रूफ साइड टेबल्स के साथ ड्रॉर्स, मतलब अपना जो भी मटेरियल रखना हम इजीली इसमें स्टोर कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगी हमारा वॉशरूम, जो कि बहुत ही स्पेशियस होने वाला है। इसमें भी प्रॉपर वेंटिलेशन पर्पस है, इस साइड हमारी एग्जॉस्ट की प्रॉपर फिटिंग रहेगी, इसमें प्रॉपर हमारी वॉल हैंगिंग सीट रहने वाली है, हमारा जो वॉश मशीन है या वैनिटी वगैरह वो आपको इंस्टॉल करके दी जाएगी और जितनी भी सैनिटरी है सारी फिटेड करा कर दी जाएगी 2 इयर्स वारंटी के साथ। उसी के साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ हमारी बालकनी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक हमारी फ्रंट साइड की होने वाली है, जो इस टाइम हम शूट कर रहे हैं वो हम अपना बैक साइड का कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर हमारी बालकनी रहेगी, मतलब वेंटिलेशन पर्पस से हमें इस फ्लैट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जो इस साइड रहने वाला है यहाँ पे अपने आप इजीली प्लांट्स वगैरह लगा सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। उसी के साथ साथ स्टेनलेस स्टील की हमारी रेलिंग रहने वाली है मिरर के साथ। एक बार मैं आपको फोकस करवाती हूँ हमारी गली पे। और जो हमारा वॉशिंग एरिया का प्रोविजन रहेगा वो हमारा इस साइड रहने वाला है। इजीली हम अपनी वॉशिंग मशीन यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रॉपर ड्रेन पाइप, टैप वगैरह सब कुछ यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है। तो ये तो था हमारा सेकेंड बेडरूम। अब यहीं से होते हुए मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे थर्ड बेडरूम की ओर, जो कि हमारा लास्ट बेडरूम रहने वाला है। इसमें भी प्रॉपर हमारा स्पेस रहेगा, किंग साइज का प्रॉपर हमारा बेड रहने वाला है। फ्रंट साइड पे हमारा एलईडी पैनल रहेगा, इसमें भी आप देख सकते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन से विंडो के लिए, इस साइड आप प्रॉपर कर्टन लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ साइड पे हमारा मिरर रहने वाला है, जो हमारा 3 शेडेड में रहेगा प्रॉपर ड्रेसिंग एरिया के साथ। नीचे इसमें ड्रॉर्स रहेंगे, जितना भी मटेरियल आप इजीली इसमें रख सकते हो। और जो एसी की डक्टिंग इस वाले रूम में रहने वाली है, वो हमारा विंडो एसी का प्रोविजन रहेगा इस साइड, जो प्रॉपर प्रोविजन दिया गया है। तो बहुत ही एलिगेंट कॉन्सेप्ट ने 75 गज का 3 BHK आपके लिए रेडी कर दिया है। बहुत से कस्टमर्स की डिमांड थी कि 3 BHK के प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो आप इसका प्राइसिंग सुनोगे ना, तो आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे कि 3 BHK इतने रीजनेबल प्राइसेस में, वो भी इतना एलिगेंट लिफ्ट, गाड़ी पार्किंग, और वो भी इतने अच्छे प्राइम लोकेशन पे। तो जल्द से जल्द नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी साइट विजिट बुक कराइए, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन रह गया है, अंडर कंस्ट्रक्शन ही
इसके कुछ फ्लैट सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो जिन्होंने भी 3 BHK बाय करना है और इतने रीजनेबल प्राइसेस में करना है, वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके जल्द से जल्द अपनी साइट विजिट बुक कराए। थैंक यू।